पीलीभीत विधायक और जिलाधिकारी पुलकित खरे ने नगर क्षेत्र में स्थित नेहरू पार्क में वोटिंग सेल्फी पॉइंट और सौंदर्यीकरण आदि कार्यों का शुभारंभ किया। बता दें कि विधायक एवं जिलाधिकारी ने वोटिंग काउंटर से वोटिंग टिकट खरीदकर वोटिंग की गई। उसके उपरांत विधायक एवं जिलाधिकारी ने पार्क में सेल्फी पॉइंट का भी उद्घाटन किया। जिलाधिकारी ने शहर के पार्कों के लिए लगातार सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। पार्क में सुरक्षा व्यवस्था हेतु सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, साथ ही साथ आनंदमय म्यूजिक सिस्टम भी संचालित किया जा रहा है। बता दें कि पार्क में सुरक्षा व्यवस्था हेतु नियमित एक पुरुष व महिला पुलिस सुरक्षा कर्मी को तैनात किया गया है। इससे पूर्व विधायक और जिलाधिकारी ने टहलने के लिए टिकटिंग व्यवस्था एवं कैंटीन व्यवस्था आदि का भी उद्घाटन किया है। जैसे पीलीभीत की अगर बात की जाए, पीलीभीत में एक के बाद एक तोहफे दिए जा रहे हैं, क्या तोहफे दिए गए इस बार? तोहफे नहीं दिए जा रहे, बल्कि जनता ने जो भाजपा के प्रति अपना भाजपा को आशीर्वाद दिया और भाजपा जो करना चाहती है, जो कर रही है, सब जनता के लिए समर्पित कर रही है। जनता का आशीर्वाद के साथ है, सब कुछ जनता के लिए कर रही है। आप देख रहे हैं पीलीभीत बदल रहा है और पीलीभीत के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश और देश बदल रहा है। जिस तरीके से शहर में एक के बाद एक चौराहों का चौड़ीकरण किया गया, उनका सौंदर्यीकरण किया गया, अब एक पार्क जो है बेहद खूबसूरत तरीके से दिया गया, जहाँ टाइगर भी यहाँ पर लगाया गया, तो कहीं ना कहीं संदेश जो है टाइगर रिजर्व को लेकर भी दिया जा रहा है, तो क्या कुछ कहना है इसको लेकर? देखिए, टाइगर रिजर्व में पहले से ज़्यादा पर्यटक भी आ रहे हैं। अब पीलीभीत की पहचान बांसुरी चावल के साथ साथ टाइगर से भी हो गई है, तो ये पूरे प्रदेश नहीं, देश में इसका संदेश जा रहा है कि पीलीभीत में टाइगर है, टाइगर रिजर्व है, पर्यटक स्थल है। इसमें हमारे जिला प्रशासन ने बहुत मेहनत करी है। मैं पीलीभीत की जनता की ओर से माननीय जिलाधिकारी जी का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करूँगा और इस बात के लिए उन्हें बहुत बहुत और उनका साधुवाद करूंगा कि जो प्रदेश सरकार की मंशा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उस मंशा के अनुरूप पीलीभीत में विकास कार्य निरंतर तीव्र गति से हो रहे हैं। इसके बाद और क्या कुछ काम होने बाकी रह गए हैं? बहुत सारे काम है। अभी एकता सरोवर का काम चल रहा है, बहुत बड़ा वहाँ फाउंटेन लगाने जा रहे हैं। रोड्स हैं, लकड़ी मंडी की रोड्स भी बनी है, उसका लोकार्पण होना है। तमाम और सड़कें हैं। अभी मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ होना है 22 तारीख को, उसका टेंडर की डेट है 22 तारीख को, वो होना है। कई वेलनेस सेंटर हमारे यहाँ आए हैं, उन पे काम शुरू होना है और तमाम काम चल रहे हैं। निर्देश के क्रम में वैक्सीनेशन की जो तैयारियां हैं उसको लेते हुए ड्राई रन सभी केंद्रों पर करा गया। इससे पूर्व में भी एक बार बहुत ही सफलतापूर्वक ड्राई रन करा गया था, जिसकी शासन ने सराहना भी करी थी। आज हमने ड्राई रन का औचक निरीक्षण करके ये देखा कि सभी वैक्सीनेटर्स वहाँ पर मौजूद रहें, सुरक्षा के पाबंद रहें, वहाँ पर CCTV कैमरा चल रहे थे। हमारे जो तीन कक्ष हैं, जिसमें है वैक्सीनेशन कक्ष, ऑब्जर्वेशन कक्ष और वेटिंग कक्ष, इसकी व्यवस्था जो शासन ने निर्धारित करी है उसको वहाँ पे देखा गया। अब हम लोग एक औपचारिक रूप से तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही जनपद में वैक्सीन प्राप्त होती हैं, हमारी तैयारियाँ पूरी हैं उसको लेकर, हमने ड्यूटियाँ सारी लगा दी गई हैं, मजिस्ट्रेट्स भी नामित हो गए हैं, कौन से वैक्सीनेटर्स किस केंद्र पर वैक्सीन देंगे और किस सूची के अनुसार से वैक्सीन लगनी है वो भी तय हो चुका है। शासन से जैसे ही निर्देश आता है और वैक्सीन प्राप्त होती है, वैसे ही हम इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक जनपद में कराएंगे। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।